हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक नया वीडियो बनने जा रहा है। आपको दिखा दूँ कि मैं एक नए शॉप में आया हूँ, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है? तो एक मेडिकल शॉप में मैं आया हूँ, जहाँ पे हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और ये टॉपिक ये है कि हम मेडिकल स्टोर शुरू तो करते हैं, बट इसमें ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इसमें से सबसे पहला आता है सॉफ्टवेयर। तो हम एक मेडिकल स्टोर में आए, जहाँ पे ये देख रहे हैं हम, महालक्ष्मी मेडिको, ओके? तो ये मेडिकल स्टोर है। हम अंदर आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, और इस मेडिकल स्टोर के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं और पूरी हम डिटेल जानते हैं कि किस तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये है मंगीलाल जी। नमस्ते मंगीलाल जी। नमस्ते, मेरा नाम मंगीलाल चौधरी है। यस यस, हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और पूरा हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया है, और आप भी अपने मेडिकल स्टोर में ये सब कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज। हम आए हैं महालक्ष्मी मेडिको। ये मेडिकल स्टोर है पाउड रोड में, कोथरूड पुणे में। तो इस मेडिकल स्टोर की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस स्टोर के ओनर मंगीलाल जी। मेरा नाम मांगीलाल चौधरी है। मैं 18 साल से मेडिकल लाइन में हूँ। मेरा खुद का महालक्ष्मी मेडिको नाम से शॉप है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक फार्मेसी को अच्छी तरीके से रन करने के लिए या अपने स्टॉक को मॉनिटर करना उतना ही ज़रूरी है, तो क्योंकि उसी के बेसिस पे आप अपने कस्टमर को अपने कौन सी मेडिसिन वो दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो आप किस तरीके से स्टॉक मैनेज करते हैं, क्या चाहिए आपको एक स्टॉक मैनेजमेंट के लिए या अपने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए, कौन सी चीज़ लगती है? जैसे कि अभी आपको मालूम है कि ऑनलाइन फार्मेसी भी आ गई है, हमें भी ऑनलाइन होना चाहिए, अपने कस्टमर भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, इस तरीके से हमारा मेडिकल स्टोर डिजिटल होना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या क्या कोशिशें की अब तक? मैंने उसके लिए बहुत कोशिशें की है। मैंने वेबसाइट बनाने की कोशिश की है और ऐसे सॉफ्टवेयर ढूंढने की बहुत कोशिश की है कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर हाथ में लग जाए ताकि आने वाले दिनों में मेरा ऑनलाइन ऑर्डर आ सके, ऑनलाइन सब कुछ डिजिटली हो जाए, मेरा मैन पावर कम हो जाए और स्टॉक मैनेजमेंट टाइम टू टाइम रहे, परचेज सेल परचेज बहुत ईजी हो जाए। तो इसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी लिए हैं। कितने सॉफ्टवेयर यूज़ किए अभी तक? मैंने 7-8 सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक चलाए नहीं, महीना 2-3 दिन ऐसे सॉफ्टवेयर चलाए। मैं लेता हूँ सॉफ्टवेयर तो मैं 1-2 दिन में वो समझ में आता है कि ये अपने काम का नहीं, तो मैं फिर उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया। और एक सॉफ्टवेयर मैंने बहुत सालों से चलाया है जो पिंपरी इंस्टीट्यूट में चलता है, और तो वो सॉफ्टवेयर से मेरे को सीखने को भी मिला, लेकिन वो ऑफलाइन होने के कारण से मेरा ना स्टॉक अपडेट नहीं होता था टाइम टू टाइम, थोड़ा मैन पावर बढ़ता था तो कभी सॉफ्टवेयर बंद पड़ जाने का बीच में, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते 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 तो बहुत सालों में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो अभी मुझे बहुत ज़रूरत थी कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर मिल जाए मेरे हाथ में तो ये सब मेरा कम हो जाए। राइट। तो अभी तो आपको जो सॉफ्टवेयर आप बता रहे कि इतने सारे सॉफ्टवेयर आपने ये करे चेंज किए, तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगी जो हर एक सॉफ्टवेयर में नहीं है, आपको दिखी नहीं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी आपके लिए? तो वो चीज़ मेरे को अभी ये नए जो सॉफ्टवेयर मैंने 1.5 साल से जो मेरे वापर रहा हूँ उसमें मेरे को एक ही चीज़ लगा कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि 2400 घंटे चलता है और 1 सेकंड भी बंद नहीं रहता है। जब भी मैं जाता हूँ दुकान बंद करके तो मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा पूरा का पूरा दुकानदारी मेरे मोबाइल में साथ में आती है। तो ये मेरा एक फ़ायदा हो गया और सपोर्ट का बहुत कम यूज़ काम पड़ता है, और जो भी नया फीचर्स आता है अपने को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है जो भी नया आता है। और बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप वन बाय वन में आपको बताऊंगा। आप तो मंगीलाल जी मुझे ये बताइए कि आप अभी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें इतना सारे सर्च करने के बाद जो आप अभी सेटिस्फाइड हैं? अभी मैं ईवाइटल आरएस नाम से जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो चलते हैं डायरेक्टली ईवाइटल आरएस के सॉफ्टवेयर में। तो किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ये हमें डिटेल में बताइए। ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली क्लाउड बेस है तो क्रोम में खुलता है। ओके, क्रोम में उसका www.evitalrx.in। से खुलता है और यहाँ पर उनका डायरेक्टली जैसे मेल लॉगिन आए करते हैं वैसे अपने को एक सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद लॉगिन आईडी मिलता है। अच्छा, तो लॉगिन आईडी से मोबाइल
आईडी रहता है और पासवर्ड अपना हिसाब से बनता है, तो उससे अपन लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ, जैसे लॉग इन हो गया। लॉग इन करते ही मेन आईडी से लॉग इन करेंगे तो ये डैशबोर्ड दिखता है। तो डैशबोर्ड में अपने को पहले डेली का सेल परचेज दिख जाता है, उसके बाद में यहाँ पर स्टॉक दिखता है, आपकी दुकान में कितना स्टॉक है, कितना अच्छा। एक्सपायरी होने वाला है अच्छा। और यहाँ पर स्टाफ का ओवरव्यू दिखता है, कौन सा स्टाफ ने कितना काम किया वो सब बाई ऑर्डर दिखता है अच्छा। ओके, और यहाँ पर साइड में एक्सपायरी आइटम जो आने वाले 3 महीने के बाद में एक्सपायरी होने वाली वो आइटम दिखती है, और एक्सपायर्ड आइटम यहाँ पर दिखती है। तो अभी मैंने एक्सपायरी दे दिया इसलिए इधर कुछ दिखता नहीं है अच्छा। ये मास के बाद में जो भी होने वाली वो यहाँ दिखेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली एक्सपायरी के पेज पर जाता है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो जो भी आइटम रहती है वो विथ इमेज है यस। एक आइटम का आपको कुछ प्रॉपर देखना है तो यहाँ पे सर्च मार के भी आप इन्वेंट्री में जाकर भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है अच्छा, डायरेक्टली तो, शॉर्टकट भी है आपके मेडिकल मेडिसिन देख। उसके बाद में यहाँ पर कस्टमर का अपना जो भी बैलेंस है क्रेडिट जिसको अपन उधर दिया वो दिखती है। साइड में यहाँ पर टॉप मार्जिन वाले आइटम्स दिखते हैं, यहाँ पर ऊपर अपकमिंग जो पोस्ट डेटेड चेक जो दिए रहते हैं वो 3 दिन के अंदर आने वाले दिखते हैं। जिसे अपना मार्केट का जो भी परचेज का आउटस्टैंडिंग वो दिखता है पार्टी वाइज। ये सॉफ्टवेयर के 2 वर्जन है, जो एक कैप्सूल वर्जन है और एक टैबलेट वर्जन है अच्छा। तो टैबलेट वर्जन है वो सिंगल फार्मेसी के लिए है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं मिलती है कस्टमर के। कैप्सूल वर्जन में आपको मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट और कस्टमर ऐप मिलती है। ये मेरे पास कैप्सूल वर्जन है इसलिए यहाँ पर मुझे वो वर्जन मिला है अच्छा। तो यहाँ पर कस्टमर के जो भी एप्लीकेशन के जो थ्रू जो ऑर्डर आते हैं वो पिकअप पे अगर करने को रहेंगे तो पिकअप वाले पिकअप में देखेंगे, अगर उसको डिलीवरी भेजने रहेंगे तो डिलीवरी में आएंगे अच्छा। ठीक है, तो जैसे ही ऑर्डर आता है हम लोग यहाँ से कन्फर्मेशन लेते हैं और आगे से आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली बिल बन जाता है अच्छा। बिल बनने के बाद में क्रेडिट बिल बना तो उसको मैसेज चला जाता है और वो वहाँ से इमीडिएटली पेमेंट भी कर सकता है, तो पेमेंट भी ऑटोमेटिकली रिकंसिलिस हो जाता है अच्छा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे परचेज, तो परचेज बहुत इजी है, ये परचेज में परचेज और परचेज रिटर्न दोनों है। तो परचेज के लिए यहाँ पर क्लिक किया परचेज, तो परचेज में क्लिक करने के बाद में जितने भी डे वाइज जो बिल है वो यहाँ पर दिख जाते हैं राइट राइट। अगर किसी पार्टी का आपको प्रॉपरली एक पार्टी का देखना है तो 3 अक्षर उसके टाइप करेंगे इंटर देंगे तो वो पार्टी के पूरे बिल एक कंप्रेस हो जाएंगे, डे वाइज दिखते हैं यहाँ पर किसने कौन सा बिल भरा है वो यहाँ पर भी ऐसे स्टाफ वाइज भी देखते हैं कि इस बंदे ने इतने बिल भरता बढ़िया के भरे थे। ठीक है, और यहाँ पर आप बिल वाइज सीरियल वाइज और नोट वाइज भी आप बिल को सर्च मार सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू परचेज में जाएंगे, नितिन एजेंसी एक मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका बिल आया समझो, तो ये पार्टी से माल आया है, क्लिक किया मेल पे गया तो डायरेक्टली मेल ईमेल पे गया तो जो मेल पे बिल आया वो यहाँ पर दिख जाता है। ये देखो एक बिल आया आज का हमारा अच्छा। जो CSV फॉर्मेट में है, अपने को इसमें CSV फॉर्मेट लगता है अच्छा। तो CSV फॉर्मेट में ये बिल यहाँ से क्लिक करने के बाद 1 सेकंड में बिल लोड हो गया देखो। ठीक है ओके, मतलब मैन्युअली कुछ भी नहीं करते हाँ, इसको ऐसे एल्टेज करके सेव कर सकते हैं तो ये सेव हो गया। तो एनालिसिस रिपोर्ट भी यहाँ पर दिखती है कि आपको आज जो माल आया है उसमें क्या कुछ रेट कम ज़्यादा लगाया, तो यहाँ दिखता है कि बाबा ये एक प्रोडक्ट है जो जिसमें अपने को थोड़ा 50 पैसा मार्जिन कम मिला है, तो अपने को अगर इसको कुछ एक्शन लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्टली अपन सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक बेनिफिट है कि देखो जो अपन क्रेडिट नोट जो एक्सपायरी बुक जो रिटर्न दिए ले रहे थे वो यहाँ पर बैलेंस दिखता है कि अपन डिस्ट्रीब्यूटर को इतना पैसा मांगते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अगर ये बिल में कुछ लेस करके दिया रहेगा तो यहाँ से वो अमाउंट यहाँ से अपन सेलेक्ट करके कितना किया वो लेस पकड़ के कर देंगे तो लेस हो जाएगा, जो बैलेंस रहता है वो यहाँ पर दिख देते हैं। इसको करने के लिए यहाँ से ऐसा करेंगे
समझो इसमें आपको 150 रुपये माइनस हुआ है बिल में, करके करेंगे तो ये सर पकड़ रहता है, तो यहाँ पर दिखता है 150 रुपये करीब नोट एडजस्ट हो गया, फाइनल अमाउंट इतना है। ठीक है, अच्छा ये था, ये ऐसे क्रेडिट नोट आप लेस कर सकते हैं। अभी ये जो बिल मैंने भरा है, लेकिन अगर ये बिल सेव करने को जाऊंगा, अगर ये भरा हुआ रहेगा तो अपने को यहाँ पर नोटिफिकेशन देंगे कि ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ये मेरा बिल भरा हुआ है इसलिए देख रहा है कि ऑलरेडी बिल ये भरा हुआ है, इसलिए नहीं ले रहा है। तो आप परचेज में आप बिल भरने के बाद में ये जो बिल था उसका ये भर दिया, यहाँ से एक सेकेंड में आपका QR कोड निकल जाता है, ऐसे करेंगे तो ऐसे QR कोड बनते हैं, प्रिंट करने के बाद एक सेकंड में आपका कितना भी बड़ा रोल रहेगा तो निकल जाता है। अच्छा, तो मतलब एक क्लिक में आपके पूरे, हाँ, ये QR कोड सिस्टम पे चलता है जो अच्छा। सेल करने के लिए बहुत इजी पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो आपको प्रोडक्ट ढूंढने टाइप करने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। अच्छा अच्छा, फटाफट फटाफट हो जाता है, और वो लोकेशन वाइज भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर लोकेशन दिखता है और आप डाल भी सकते हैं यहाँ पर लोकेशन, ये सब प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और जब बिल आता है तो आप यहाँ पर लोकेशन सेट कर सकते हैं, इधर यहाँ पर आप सबका एक डालना तो एक लोकेशन डाल सकते हैं, नहीं तो आप मर्जी से इधर टाइप करके करेंगे तो भी आ सकता है, और कोई प्रोडक्ट में मार्जिन आपको कम रहेगा तो यहाँ से वो उसका प्रोडक्ट का मार्जिन भी डिस्काउंट भी लॉक कर सकते हैं, यहाँ लॉक ये दिया हुआ है, आपका डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम भी आप सेट कर सकते करते हैं, तो ये बहुत सारा फीचर्स इसमें है जो अदर सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। इसी बिल में से अगर आप कोई समझो ये प्रोडक्ट लाया और एक्स्ट्रा आ गया या नियर एक्सपायरी आ गया या दूसरे दिन कस्टमर लेके नहीं गया आपको रिटर्न करना, तो इसी बिल में आपको जाना है और वो प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और इधर से रिटर्न माराना तो डायरेक्टली यहाँ पर क्रेडिट नोट बन जाता है वो पार्टी का, जो रेट में आया जो डिस्काउंट में आया वो पूरा का पूरा 1 रुपये का भी फर्क नहीं आता, ये डायरेक्टली सेव करना आपको तो ये क्रेडिट नोट बन जाता है सेल्स रिटर्न का, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और परचेज में इसके बहुत सारे और फीचर बहुत है, और जब आप इसी बिल को किसी दूसरे आउटलेट में आपको भेजना है तो बिल बना के जनरेट होलसेल बिल कर सकते हैं, इसका आपको PDF बना के कर सकते हैं, और एक इसमें और एक फ़ायदा है कि ये जो बिल का जो फिजिकल कॉपी आया है वो आप मोबाइल में जाके उसका फ़ोटो निकाल के भी आप सेव करके रख सकते हैं, तो बिल अगर खो भी गया तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल। अच्छा अच्छा, तो ये आपने अभी परचेज बताया, अभी उसके बाद में अपन देखेंगे सेल, तो सेल के लिए यहाँ पर न्यू सेल जो भी आज के बने हुए सब है, तो पेशेंट वाइज भी है, मेरे कुछ कॉस्मेटिक है इसलिए मैंने कैश सेल बनाया उसका, इसको बिल देने की ज़रूरत नहीं, तो मैं जो भी आइटम सेव करता हूँ वो मेरा हर एक आइटम का बिल बनता है, ऐसे खाता बुक के जैसे नहीं जाता, डायरेक्ट हर एक प्रोडक्ट का एंट्री पड़ता है। ओके ओके, तो ये मेरा बिल नंबर है, विदाउट बिल एक भी इसमें प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। बिल्कुल, मतलब आपका कितना स्टॉक है वो हर टाइम टैली होता है, और आप यहाँ पर किसी का बिल अगर आपको सर्च मारना तो पेशेंट का मोबाइल नंबर और नाम से भी सर्च मार सकते हैं, बिल नंबर याद रहेगा तो बिल नंबर से आता है, ऑर्डर से आ जाता है, और कुछ क्रेडिट बिल रहेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट बिल जो भी है वो यहाँ पर दिख जाता है कि इतने कस्टमर का आपका आज 3 बिल मेरे क्रेडिट में है, तो ये 3 बिल क्रेडिट में, तो उनको यहाँ पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, तो इधर से व्हाट्सअप में चला जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा जिसमें आपको उसका पेमेंट का लिंक भी जाएगा और बिल भी जाएगा साथ में। इन्वेंट्री का बहुत इसमें बहुत ही बड़ा एक फायदे वाला पेज बनाया है जो अच्छा यहाँ पर आपको सब कुछ एक ही क्लिक में मिल जाएगा। तो मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ जैसे कि एक टेलमा है, ठीक है, तो टेलमा टाइप करने के बाद में टेलमा की पूरी रेंज यहाँ पर आ जाती है और उसका स्टॉक यहाँ दिखता है। अगर वो कोई टेलमा की वैरायटी 0 स्टॉक में रहेंगी तो यहाँ से अगर आप देख सकेंगे तो ये मेरे पास 2-3 प्रोडक्ट है जो मेरे पास स्टॉक में नहीं है, तो यहाँ पर भी आप देखने के बाद पता चलता है यार ये स्टॉक में नहीं है, तो इसको यहाँ से आप ये जो प्लस का निशान दिखता है उसको शॉर्ट बुक में डाल सकते हैं, तो वो डायरेक्टली शॉर्ट बुक में चली जाएगी, तो डिजिटल शॉर्ट बुक है, डिजिटल शॉर्ट बुक में चला जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आपका टेलमा 80 है जो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 1 क्लिक में इसकी सब रिपोर्ट मिलेंगे, ये कितना पड़ा है, ये कहाँ से आया है, ये पूरे साल में कितनी बार आया है, कहाँ से आया है, ये पूरा डिटेल दिखता है,
और इसका कुछ एक्सपायरी या रिटर्न वगैरह कुछ दिया रहेगा तो ये पूरा साल में दिखता है, तो कुछ किया हुआ यानी कितना सेल किया है तो पूरे साल में ये सेल बिल दिख जाएंगे यहाँ पर, तो ये किसको क्या दिया था आ जाएंगे। इसके बाद में सेल रिटर्न आएगा तो अपना कोई आउटलेट को होलसेल बिल किया तो, और यहाँ पर आपको एक लेजर दिखेगा कि आपका कितना आ रहा है कितना जा रहा है, वो ये प्लस माइनस होते जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट नया बंदा है और उसको वो टेलमा का पट्टी नहीं मिला तो वो यहाँ पर इसको क्लिक करके इसका फोटो देख के भी ये अंदाज लगा सकता है कि ऐसा पट्टी मुझे ढूंढना है। ऐसे तो कितने प्रोडक्ट के फोटोज है आपके इस सॉफ्टवेयर में? इस पे 90% सब मेडिसिन के फोटो डाले हुए हैं, लेकिन 2 लाख है, 2 लाख प्रोडक्ट है इनके। हाँ, प्रोडक्ट के फोटोज से 90% जो प्रोडक्ट चलते हैं तो उनके फार्मासिस्टों ने भी इमेज भेजे हैं और उन्होंने खुद ने भी क्रिएट किया, तो 90% इसमें इमेज डाले हुए हैं। मतलब जो मोस्टली मूविंग प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट का सबका आपको इमेज मिल जाएगा, और जो नॉन मूविंग है कोई मोनोपोली प्रोडक्ट है जो किधर चलते हैं किधर नहीं चलते उनके नहीं है। इसको बारकोड भी है क्या प्रोडक्ट्स को एफएमसीजी के? एफएमसी के प्रोडक्ट जो है उनके विद फोटो बारकोड है, जो आपको बारकोड अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप कोई भी बोतल उठा के आप स्कैन करेंगे तो उसका बिल बन जाता है। तो अभी मुझे ये बताइए कि कैसे किस तरीके से आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट स्कैन करते हैं और इन बिल्ड 60,000 प्रोडक्ट के बारकोड अवेलेबल है आप बता रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर में एफएमसी के प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोडक्ट मास्टर बनाया हुआ है विद फोटो बारकोड के साथ, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कॉस्मेटिक का शेयर परचेज करने के लिए। बताइए किस तरीके से आप ये दो प्रोडक्ट में आपको ट्रायल करके बताता हूँ। ये देखिए एकदम इजीली स्कैन हो जाते हैं, ये दो प्रोडक्ट एफएमसी के थे तो स्कैन के प्रॉपर नाम वगैरह आ गया है, जैसा कंपनी ने जैसा नाम बनाया था प्रोडक्ट के ऊपर वैसे आ गया है, और इसका भी के कस्टमर को नाम से बिल देने की ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्टली यहाँ से कैश सेल बिल बना सकते हैं, तो ये कैश सेल बिल यहाँ सेव हो जाता है, यहाँ पर जाके देख सकते हैं तो कैश सेल बिल बन गया है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है ये पूरे नाम के साथ आपको, और ये प्रॉपर नाम दूसरे सॉफ्टवेयर में आप इतना बड़ा प्रोडक्ट नाम बनाने को जाएंगे तो नहीं बन रहा है अदर सॉफ्टवेयर में, तो ये फायदा है, वैसे ही परचेज भी इजीली हो जाता है इसका मोबाइल को। यस यस, तो अभी दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस तरीके से बहुत इजी सेल परचेस है विद हर प्रोडक्ट का माइक्रो एनालिसिस, और अपने कस्टमर से कितनी तरीके से आप ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाता है उनके फैमिली से, उनको कितनी दवाई लगती है कि आप डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं, साथ ही उनको डिलीवरी भी दे सकते हैं, एंड पेमेंट गेटवे भी इजीली अवेलेबल है। सो बहुत ही इजी तरीके से आपके कस्टमर को कनेक्ट होते हैं आप, और साथ ही आपका एक्सपीरियंस बताइए कि आपका ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, जैसे आप मैन पावर थोड़ी कम हुई आपकी या और वही है? ये मेरे को अभी लगभग 2 साल होने पाए हैं सॉफ्टवेयर लेकर के, तो ये सॉफ्टवेयर लेने के बाद में मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, मेरा एक्सपायरी लॉसेस कम हुआ है, मैन पावर कम हो गया, स्टॉक का एनालिसिस था वो भी मुझे अभी समझ में आ रहा है कौन सा प्रोडक्ट कितना रखना है क्या नहीं रखना, डम्प प्रोडक्ट है जो सिग्नल आ जाता है कि ये प्रोडक्ट आपका इतने महीनों से नहीं चल रहा है, तो उसको अपन प्री परचेज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारे फ़ायदा है इस सॉफ्टवेयर से, तो बहुत सारी चीज़ें आपका आपकी कंट्रोल हो गई है अभी, और आपका लेने के बाद में एक बार आप अगर इसका ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको इमीडिएटली, आप अगर एक अच्छे स्मार्ट फार्मासिस्ट हो तो आपको जल्दी पता चल सकता है कि सॉफ्टवेयर बेनिफिट है, बेनिफिट वाला है या नहीं है। दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दूंगा, यूट्यूब वीडियोस की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, उस पर अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो मार्च एंडिंग में जो आप बोलते कि मेरा ईयर एंडिंग हो जाएगा मैं क्या करूँगा, आज लास्ट दिन है, तो वो झंझट मारे नहीं, आप 30 तारीख तक जितना सेल होता है वो कर दीजिए, दूसरे दिन 1 तारीख से आपका 1 अप्रैल से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अगले साल से चालू हो जाएगा, और आगे चलते हैं तो एक इसमें और ये बहुत ही बड़ा आपको फायदे वाला जो मेड गाइड करके जो एक ऑप्शन है, तो इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर में भी इनबिल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मेड गाइड पर जा करके आपके पास अगर कोई बंदा आया है कि भाई इसमें एक आइटम लिखा है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर उसको टाइप कर करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि
ऐसा एक प्रोडक्ट आया है और वो उसका क्या नाम हो सकता है, तो दो तीन अक्षर डालने के बाद आपको यहाँ पर आइडिया लग सकता है कि ये प्रोडक्ट हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो इसका फोटो आ गया मनोवैक्सीन, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो आ गया, इसका सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ दिखते हैं और अपनी दुकान में कितने प्रोडक्ट इसके सिमिलर पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अगर ये प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है और सामने वाला बोलता है कि मुझे इसका जैसा कुछ दूसरा दीजिए, तो आपको यहाँ पर आप डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, तो आप यहाँ पर उसको फोटो दिखा के भी आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। तो जो ज़्यादा मार्जिन वाला है वो प्रोडक्ट आपको सबसे ऊपर दिखेगा और कम मार्जिन वाला वो सबसे नीचे दिखता है। Okay. मतलब आपके लिए मतलब... इसके लिए इसके ये आपके लिए फार्मासिस्ट के लिए फ़ायदे वाला है ये मेड गाइड। और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का कंटेंट लेके आया और उसका ब्रांड आपको नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आपको एक कंटेंट डाल के भी ये एम्लोडिपिन है जो भाई मेरे को 10 mg का 10 mg का एम्लोडिपिन का प्रोडक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ब्रांड देना है। ओके तो आप यहाँ पर उसका ब्रांड भी मतलब आप जैसे 1 mg नेट मेड में वगैरह जाते हैं उसमें जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ यहीं पे आपको इसी सॉफ्टवेयर में पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी मेडिसिन की, और साथ ही कोई भी कंटेंट अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो वो कंटेंट डालिए, उसका कंटेंट के कोई ब्रांड आपके शॉप में कितना अवेलेबल है इसका भी स्टॉक ये सॉफ्टवेयर आपको पूरी तरीके से दिखाता है, सो दैट आप कोई कस्टमर मतलब कोई बाउंस होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे देखा कि फ़ोटोज़ भी होते हैं, तो इवन आपके नए फार्मासिस्ट हो उसके भी लिए भी हेल्प होती है, कोई कस्टमर फ़ोटो लेके आता है तो आप उसको उस तरीके से कस्टमर को वही मेडिसिन दे सकते हैं, तो काफ़ी हेल्प करता है आपके फार्मासिस्ट की और आपके एडिशनल फार्मासिस्ट और आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए। चलिए आगे जाते हैं। एम्लोडिपिन का जो कंटेंट था वो इतने प्रोडक्ट आ गए अपने एम्लोडिपिन 2.5 के, इसमें बाकी दूसरे 5 gen के वगैरह नहीं दिखते क्योंकि अपन एम्लोडिपिन 2.5 पकड़ा था तो उसके दिखेंगे, और इतने सारे अपने स्टॉक में है। और ये जो एम्लोगार्ड है इसके स्टॉक इस ऑल इंडिया में कितने वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो आप इसका माल आपको कहीं से भी ऑल इंडिया से कहीं से भी आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर उसका मिल जाएगा कि एम्लोगार्ड किसके किसके पास है, तो आपको ये फ़ायदा है कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आपके सॉफ्टवेयर में सब कुछ दिखता है। स्टाम्लों का देखना तो स्टाम्लों का यहाँ पर ही ऐसे दिखता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और ऑल इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर देखो यहाँ पर है ना, ये का है, ये तेलंगाना है, कर्नाटका का है, ये महाराष्ट्र का है, हैदराबाद का है, ये वेस्ट बंगाल का है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑल इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। अभी बात करते हैं नए टूल्स के बारे में, वो है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस से मैं अपने कस्टमर को बताना चाहूँगा कि मार्केट प्लेस से देखिए यहाँ पे इनबिल्ड ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से इवन आपको रनिंग प्रोडक्ट भी पता चलते हैं, इवन आपकी शॉप में नए हैं आप शॉप में आपको दवाई की भी जानकारी थोड़ी बहुत चाहिए तो यहाँ पे रनिंग प्रोडक्ट देखिए आपको पूरे मिल रहे हैं, तो ये भी हेल्प कर होता है और साथ ही आपको एडिशनली अलग जगह से इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सॉफ्टवेयर के साथ होलसेलर जो है यहाँ पर उन्होंने इंटीग्रेट किया, जो इनके साथ टाइप है वहाँ से आप कांटेक्ट करके भी अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटर उनसे कनेक्टेड ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं। आइटम पे ऊपर क्लिक करेंगे तो भी मिल जाता है वो कि ये आइटम किसके किसके पास है, उसके बाद में मोर का ऑप्शन है तो मोर में सबसे पहले अगर आपका कोई दो तीन दुकान रहेंगे तो उसका होलसेल का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में शॉर्टबुक है, शॉर्टबुक में आप ये देखो ऐसी ये देखिए सब लोग डिजिटल शॉर्टबुक है, जो जो प्रोडक्ट दिन भर में जितने भी बेचते हैं ना वो ऑटोमेटिकली जब स्टॉक जीरो या जो लेवल से कम होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शॉर्टबुक में आ जाता है। ये शॉर्टबुक है, ये वही बनती है, ये लास्ट प्रोडक्ट मेरा शॉर्टबुक में आया, देखो मैंने अभी ये एक फेयर लवली बेचा था, हेयर क्रीम बेचा था, दोनों शॉर्टबुक में आ गए। यहाँ पर आप शॉर्टबुक में बाई डिस्ट्रीब्यूटर आप ऑर्डर को
ये कर सकते हैं। तो वही तापड़िया का मैंने 3 अक्षर टाइप करने के बाद इंटर दिया, तो तापड़िया के जितने भी प्रोडक्ट है यहाँ आ गए। आपको यहाँ पर क्वांटिटी बोल फोन पे भी दे सकते हैं, फार्मर है वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाइज आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखो यहाँ से अभी ये इतने डिस्ट्रीब्यूटर अभी लिंक नहीं, इसलिए मेरे को डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट परचेज था तो उसका नाम ऑटोमेटिक आया। फिर लाइक मैंने पिछली बार इससे ख़रीदा तो उसको मिल गया कि ये इसके पास आया वहीं मिलेगा। अगर आपको दूसरी जानकारी है कि और कहीं मिलता है तो वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये चेंज भी होता है, यहाँ पर आप भी चेंज भी हो सकता है। तो आप जो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर भी आप एड चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा। मतलब ये सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताता है कि कितना परचेस आपको करना चाहिए, हाँ। कोई मेडिसिन का कितना आपके स्टोर में चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर वाइज आपको कोई अलग से सेंटिंग करने की जरूरत नहीं कि ये कहाँ मिलेगा किसको दूँ क्या, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पड़ा है उसको दे दीजिए, अगर उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक है तो आप उसको चेंज कर दीजिए। और ये जब पार्टी वाइज परचेज आएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये फिल होने के बाद में क्वान्टिटी है शॉर्ट बुक से निकल जाएगा, आपको कहीं हटाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये शॉर्ट बुक है, यहाँ पर आपको अलग से डायरी लेकर के पेन लेकर के लिखने की जरूरत है आपके पास। जैसे कि आप अपन हमेशा क्या है, अभी लोगों को भी बहुत आदत है कि एक शॉर्ट बुक रखते हैं काउंटर पे और उसमें हाथ से लिखते हैं, तो मैंने लिखा है तो दूसरे बंदे को मालूम नहीं पड़ता क्या क्या लिखा है, तो वो ऑर्डर देने में दिक्कत आती है, फिर मुझे ही देना पड़ता है। तो ये डायरी रखने की, ये सॉफ्टवेयर लेने के बाद में आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, उधर ही बुक की जरूरत नहीं है, शॉर्ट बुक की जरूरत नहीं है सर, फिजिकली के आपको रखने की जरूरत नहीं। आप रखना है तो रखो, नहीं तो रखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक पेज खोल के रखिए और कितने भी आप पेज इसमें विंडो खोल के रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है आपको। जितने काउंटर अलग अलग सेल परचेज शॉर्ट बुक इन्वेंट्री पेज जितने भी खोलना है वो सब वन बाई वन यहाँ पर प्लस प्लस करके आप खोल दीजिए। कितने भी खुलते हैं, एक बार लॉगिन किया तो आपको फिर से ऐसा पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ये देखो ये पेज खुल गया, तो यहाँ पर अभी पहले ये शॉर्ट बुक चालू था, अभी मेरा कस्टमर का पेज खोलना था, यहाँ पर ये कस्टमर का पेज खुल गया। तो ये देखो कस्टमर का पेज है आगे शॉर्ट बुक के बाद में, तो कस्टमर का कोई यहाँ पर आप ड्यू पार्टी करेंगे तो यहाँ पर ड्यू वाले जितने भी कस्टमर है सब कंपोज हो गए और यहाँ पर दिख रहे हैं। तो प्रॉपर इसका कितना ड्यू दिख रहा है, देखो 2000। तो ये कौन कौन से बिल है इसके पास, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक बिल इसका ड्यू है दिखा रहा है। तो उसने कुछ सेल रिटर्न लाया रहेगा तो उसका लेजर क्या है, कितनी बार उसने लिया दिया सब है, और हिस्ट्री दिखती है। मेन इंपॉर्टेंट इसका है जो कस्टमर का नाम डालने के बाद पेज में हिस्ट्री दिखती है, तो ये अभी तक इसने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदी किए और कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार खरीदी गया, ये सब यहाँ पर इस पेज में दिखेंगे। देखो ये टेलमा है जो टेनल और 20 है, इसने 20 टाइम उसने खरीदी किया है। तो ये मेरा बहुत जूना कस्टमर है, इसके अभी इतने महीने होंगे तो 20 बार उसने लिया ही होगा, ठीक है। ये कॉस्मेटिक ने 16 टाइम लिया है, 1000 टाइम। तो इसको यहाँ से आपका ड्यू पेमेंट रिमाइंडर भी व्हाट्सअप भेज सकते हैं, उसका लेजर भी आपका ड्यू का डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ही डाउनलोड ड्यू का डाउनलोड हो गया हिस्ट्री, ये होने के बाद देखो यहाँ पर ये ड्यू पेमेंट का एक देखो लेजर बन गया, ये प्रिंट निकाल के उसको दे सकते हैं कि आपका बिल पेंडिंग है। तो ये मोर में उसके सब आप देख सकते हैं, अगर ये पेंडिंग का जो है उसका रिसिप्ट मारना, तो ये रिसिप्ट भी मार सकते हैं। पेमेंट में आपको कैसे आ रहा है, उसका चेक आ रहा है पेटीएम UPI जैसे भी आपको आ रहा है, इस चेक से अगर करेंगे तो इस चेक से भी यहाँ पर उसका नंबर डाल के पेमेंट मेक कर सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर का पेज है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का मेन, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत अच्छा पेज उन्होंने बनाया है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर डालने के बाद में आपको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर का आपको देखना है, जैसे कि मैं नितिन डालता हूँ, 3 अक्षर टाइप किया, देखो नितिन डिस्ट्रीब्यूटर 2 है आगे, तो नितिन एजेंसी का आपको वही खाता देखना है। तो इस सब उसका पेज ओपन हो गया, उसकी बैंक डिटेल, वाउचर, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका ड्रग लाइसेंस नंबर वगैरह सब आया, और मेरे जो पेंडिंग बिल है यहाँ पर दिख रहे हैं, उसका परचेज रिटर्न कितना है वो दिख रहा है, उसका लेजर में मैंने कितना उसको पैसा दिया कितना बाकी है वो सब दिख रहा है, और मेन पॉइंट है ये नॉन मूविंग और एक्सपायरी की वजह इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अभी तक यहाँ पर आप ये जानेंगे कि भाई मेरे को भी ये 6 महीने के अंदर अंदर वाले प्रोडक्ट जो है नॉन मूविंग प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, तो 6 महीने में नॉन मूविंग प्रोडक्ट
कितने हैं वो हिले नहीं है, वो इधर यहाँ पर दिख जाएगा आपको। सेलेक्ट करो डे, ठीक है ओके। मतलब प्रोडक्ट कौन से हील भी मतलब नहीं जा रहे वो रिटर्न देते समय आपको वो दिखेगा कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से है। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट इसलिए इतना टाइम लिया, ये इतने प्रोडक्ट है जो 6 महीने में हिले भी नहीं है। तो अभी मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इसमें से ये सब प्रोडक्ट रिटर्न कर देना चाहिए या उसमें से कुछ रखना है, तो ये अपने को देखना है। तो मेरे को इसमें जो कुछ प्रोडक्ट समझो कि ये मेरे को वापस देना है, ये मुझे वापस देना है, ये मेरे को 3 प्रोडक्ट मुझे वापस कर देना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक मारना है और यहाँ पर इसका CN क्रिएट कर देना है। तो ये CN क्रिएट हो गया था, तो यहाँ पर कुछ भी आपको जो रेट में आया था जितना भी रेट में आया था वो ऑटोमेटिकली उसने सब ले लिया। तो नाम पार्टी का आ गया, खाली सेव करना है और ये तीनों प्रोडक्ट निकाल के पैक करके भेज दीजिए। तो यहाँ से प्रिंट भी निकलता है उसका, क्रेडिट नोट का प्रिंट देखो यहाँ से निकलता है। मेरा जूना क्रेडिट नोट है ये देखो प्रकाश का, तो इसका प्रिंट भी यहाँ से क्रेडिट नोट का प्रिंट यहाँ दिखता है। तो प्रिंट भी निकलता है इसमें, आपका जो बिल में आया है वो प्रोडक्ट का बिल नंबर भी यहाँ पर दिखता है। देखो थोड़ा ये इसमें यहाँ पर रेफरेंस नंबर के ये प्रोडक्ट मैंने इस तारीख को इतने ये बिल में खरीदी किया था, तो डिस्ट्रीब्यूटर को समझ में आता है कि हाँ ये मेरे प्रोडक्ट मेरे से लिया हुआ है। तो वो ना ना मना भी नहीं बोल सकता है, ये मेरे से नहीं लिया, अपने पास इसका विथ प्रूफ आप चाप के दे सकते हैं, पूरी डिटेल है, ठीक है। तो ये डिटेल है इसका। उसके बाद में आप अपने को जो लगता है एक बैंक अकाउंट वाला सिस्ट दिया है, जो चेक वगैरह क्योंकि पेज रहते हैं सब डाटा रहते हैं, ये सब तो पता ही है। इसके बाद में अपने को जो मेन जो लगती है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट इस पर बहुत अच्छे बनाए हैं उन्होंने। रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको GST रिपोर्ट लगती है, तो GST रिपोर्ट में ये सब सारी GST रिपोर्ट, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, सेल बिल, डे वाइज सेल, GST R1, 2, 3 जो भी है ये सब दिखते हैं। इसके बाद में मार्जिन रिपोर्ट आपको देखना रहेगा, तो मार्जिन रिपोर्ट आइटम वाइज मार्जिन रिपोर्ट दिखता है यहाँ पर। डे वाइज आपका कल का डे वाइज मार्जिन देख सकते हैं, सेल्स वो करेंगे तो कल की तारीख में आपका कितना सेल हुआ था और कितना मार्जिन मिला, ये सब यहाँ पर दिख जाता है। आइटम वाइज कौन से प्रोडक्ट में कितना मार्जिन मिला ये सब दिख जाएगा। उसके बाद में आपको स्टॉक रिपोर्ट, एक्सपायरी रिपोर्ट, नॉन मूविंग, बेस वाइज स्टॉक, स्टोरेजेशन, और इस सॉफ्टवेयर वाले ने पूरा जो भी है जो भी आपका डाटा है वो आपके हाथ पे ओपन रखा है, कि आपको कोई भी ऐसा लॉक करके नहीं रखा है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट कोई भी रिपोर्ट निकालिए तो आप खुद निकाल सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर को पूछने की जरूरत नहीं कि बाबा ये मेरे को रिपोर्ट निकाल के है। अभी कुछ सॉफ्टवेयर वाले क्या करते हैं कि आपका स्टॉक रिपोर्ट है ना लॉक करके रखते हैं, आप दूसरा सॉफ्टवेयर बदलने को जाएंगे तो पहले उनको पूछना पड़ रहा है कि मुझे स्टॉक बेस वाइज रिपोर्ट निकाल दे, तो वो इजीली देते नहीं है आपको। 4-6 महीने वापरने के बाद आपको लगता है कि यार मेरे को तो नहीं जमता है, तो आप यहाँ से आइटम बेस वाइज स्टॉक का फाइल ले लीजिए, पूरा फंक्शनलिटी के साथ आपका CSV और एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा, आप कभी भी इसको ब्रेकअप कर सकते हैं, आपको कोई प्रेशर नहीं है। और उसके बाद में आपका यहाँ पर एक मैनेज एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्चे वगैरह है जो आप अलग से डायरी में लिखते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर सिस्टम में सब दिख जाएंगे कि आपका कौन सा क्या खर्चा है, जो आप यहाँ पर कैश में ला रहे हैं, UPI कर रहे हैं या चेक से ला रहे, जो भी है वो आप यहाँ पर आपको डायरी रखने की ज़रूरत नहीं है। टोटली जो सॉफ्टवेयर पेपरलेस है अगर आप व्यवस्थित करना चाहें तो, ठीक है। और इसमें एक बिजनेस इंसाइट का जो पेज है, इसमें आपको यहाँ पर ये बिजनेस इंसाइट का पेज है जो दिखेगा कि क्या चल रहा है, क्या डे बाई डे क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज कितना सेल हुआ, क्या परचेज आया, ये सब पेज इसमें दिख जाता है। फिर इसमें एक ये यहाँ पर क्रेडिटर, डेबिटर, परचेज पेमेंट हिस्ट्री, ये सब आप वन बाय वन अगर करेंगे डेमो वर्जन में ये सब आप चेक कर सकते हैं। 7 दिन का ट्रायल वर्जन है उसका, डेमो वर्जन है जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल है। कोई सॉफ्टवेयर वाला आपको 7 दिन का डेमो वर्जन नहीं देता है, आधा घंटा भी मुश्किल से देता है, वो भी वो खुद बताएगा, तो नहीं तो आपको खुद चेक करना। इसमें एक बार ट्रायल वर्जन लिया तो 7 दिन आप खुद बैठ के जो भी आपको देखना है, जितना भी फंक्शनलिटी देखना है आप आराम से देख लीजिए। अगर 7 दिन में भी अगर समझ में नहीं आया तो आपको और 7 दिन का ट्रायल वर्जन मिलेगा।
जब तक आपको सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आता है तब तक आपको सॉफ्टवेयर लेने के मजबूर नहीं किया जाता है। जब तक आपको सेटिस्फेक्ट नहीं कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर समझ में आ गया मुझे लेना चाहिए तो आप लीजिए, नहीं तो कोई ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर दिखा दिया सर आपको ले लो और हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर में ये सुविधा नहीं, आपको एक घंटा ट्रायल डेमो दे देंगे, दूसरे दिन और बुलाएंगे तो एक बार और दे देंगे, लेकिन आप उसके लिए टाइम आपको आपके हिसाब से थोड़े निकालेंगे ना। हाँ बिल्कुल, वो आएगा उसके टाइम के हिसाब से, वो टाइम पे आपको टाइम दे देंगे तो आप नहीं देख पाएंगे वो फटाफट से, जो आप उसको जो दिखा रहे हैं मेन वही दिखाएंगे ना। Yes, जो अपने को जो देखना है वो तो नहीं दिखा सकते। Yes, yes. आप खुद पूरे वन बाई वन आप एक एक फंक्शनलिटी आप चेक कर सकते हैं। मैंने तो एक ही रात में पूरा सब खगोल के डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए बनाया और मुझे लेना चाहिए। इसमें फिर ये एक ये रिपोर्ट है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, टॉप कस्टमर, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, मंथली स्टॉक वैल्यूएशन, मंथली सेल रिव्यू, ये सब वन बाई वन आप यहाँ पर देख सकते थे। यहाँ पर ये देखो, मैंने अभी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट देखे तो 6 महीने में मेरे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ये यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये कितनी बार लाया, कितना स्ट्रिप लाया, ये सब यहाँ पर आप देख सकते। तो इससे भी आपको अंदाजा आता है कि मुझे ये प्रोडक्ट का कितना स्टॉक रखना है, कितना अगर कोई फ़ायदे में मिल रहा है तो आप स्टॉक करके भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर टॉप कस्टमर आपके जो है कस्टमर, तो उसको भी आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट मेरे ये एक जो है इतने सारे कस्टमर है मेरे टॉप कस्टमर, तो इनको मुझे छोड़ना नहीं कैसी भी हालत में। तो अगर ये कुछ डिमांड भी करते हैं या इनके कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगे तो आपको फुलफिल करने की आपको जवाबदारी रहती है। जी, ये अपना टॉप कस्टमर, इसको जहाँ तक हो सके आपको इसका रिक्वायरमेंट फिलअप कीजिए। तो ये यहाँ से आपको अंदाजा आ सकता है कि ये मेरा कस्टमर है, उसने मुझे बाकी कस्टमर को छोड़ के भी सर्विस देनी है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर ये आपको सॉफ्टवेयर लेते हैं तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे और आने वाले दिनों में ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है और बहुत ईजी होने वाला है आपका मैन पावर आप ये भी बता रहे थे ना कि एक आपका डिजिटली भी अपने कस्टमर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, उसका थोड़ा आप बताएंगे? हाँ, तो मोबाइल वर्जन, मैंने जो वर्जन लिया है वो मेरा कस्टमर ऐप मिला है मुझे, राइट, तो उसमें कस्टमर ऐप के द्वारा ऑर्डर किया तो आपको सॉफ्टवेयर डायरेक्टली बिल बन जाता है। मोबाइल वर्जन दिखा सकते हैं? हाँ, मोबाइल वर्जन है मेरे पास, देखिए ये एयरटेल का एप्लीकेशन है, यहाँ से कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। कस्टमर ऐप खुल गया तो खोलते ही डायरेक्टली कस्टमर को अपना दुकान का नाम दिखता है। यस यस, लोगो ईवाइटल आरएक्स का है, लेकिन कस्टमर को बाहर से मीडिया में दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर वो प्रोडक्ट सर्च करता है तो ये प्रोडक्ट सर्च करके भी कर सकता है। तो देखो ये इसने टाइप किया तो सब आ गए सब प्रोडक्ट सामने। ओके, मतलब ये कस्टमर को दिखता है आपकी शॉप में, ऐसा किया तो उसको यहाँ पर इमेज दिखेगा और इसका पूरा हिस्ट्री यहाँ पर ये सब बन मेरा दिखता है। ये प्रोडक्ट के बारे में सब पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है और ये प्रोडक्ट उसको महंगा लगता है तो इसका अल्टरनेटिव सस्ते वाला भी वो यहाँ पर देख सकता है। तो अपनी दुकान में जो स्टॉक है वो यहाँ पर स्टॉक वाले प्रोडक्ट ये दिख रहे हैं। देखो तो 10 प्रोडक्ट जो है वो अल्टरनेटिव दिख रहे हैं और इतने सारे प्रोडक्ट मेरे पास अल्टरनेटिव में पड़े हैं। तो इसमें वो खुद भी वो खुद डिसाइड करता है, कर सकता है ये सब प्रोडक्ट एक ही है और इसमें जो सस्ता है वो लेना चाहिए तो वो कस्टमर इधर से भी वो डिसीजन ले सकता है। अच्छा, आप ऑफर वगैरह भी दे सकते हैं? हाँ, ऑफर तो यहाँ पर आप डिस्काउंट सेट किया रहेगा तो उसको दिखता है कि ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में, जब डिस्काउंट सेट करेंगे तो यहाँ पर दिख जाता है। ओके, तो ये स्टॉक में रहेगा तो देखो ये अभी शार्टेल आया तो शार्टेल उसने पिकअप किया, आया इधर कार्टेज में डालेंगे तो कार्टेज में चला गया था शार्टेल आ गया। तो ये 4 प्रोडक्ट स्टॉक में आया, कार्टेज में आया, यहाँ पर चेकआउट किया तो डायरेक्टली कंफर्मेशन करने के बाद में यहाँ से डिसीजन ले लेंगे वो डिलीवरी मंगाने वाला या पिकअप, तो पिकअप करेगा तो पिकअप किया। ये ऑर्डर गया है, ये ऑर्डर किया है कस्टमर ने, ऑर्डर किया था यहाँ पर 4 आइटम का, 60 वगैरह का ऑर्डर किया था वो। यहाँ पर अभी देखो मेरे पीछे यहाँ पर ऑर्डर आ गया, देखो यहाँ का ऑर्डर देखिए सब लोग, यहाँ का ऑर्डर यहाँ पर आ गया। देखो ये इंक्वायरी पिकअप का जो था ये यहाँ पर आ गया, इंक्वायरी में गया तो ये देखो मांगीलाल चौधरी के नाम से
आ गया यहाँ पर, ये ओपन करने के बाद में ये सब प्रोडक्ट है आ गया। यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है, ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया ठीक है। और ये अभी गया कंफर्मेशन में, तो यहाँ से आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पर बेस नंबर वगैरह सब करना पड़ेगा। तो एक 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 इसको आप यहाँ पर एडिट करना है। ये आगे का प्रोसेस है, देखो यहाँ पर अभी इसको करेंगे तो यहाँ पर कौन सा बेस लेना है हो गया। अरे इतना सा करना है, बिल बन गया है। और यहाँ पर डॉक्टर नाम डाल देना है, किसके नाम से चाहिए वो डाल देना है। और ये पिकअप ऑर्डर था, कैश रिमाइंडर वगैरह सेव कर दो। सेव करने के बाद एक कस्टमर को इंफॉर्मेशन चला जाएगा, मेरा बिल बन गया है। और क्रेडिट का जो बिल है वो चला जाएगा, उसको लिंक बन गया। ओके यहाँ पर ये सेव कर दिया मैंने ठीक है। यहाँ पर अभी सामने वाले जब डिलीवरी देने को जाएंगे तो वहाँ पर उसके ऐप में ऐप डाउनलोड किया रहेगा, तो यहाँ पर पिन नंबर रहता है, वो पिन डालना पड़ता है तब जाके ये ऑर्डर कंप्लीट होता है, डिलीवरी के टाइम में लेना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो है मेल का जो आइकॉन है, यहाँ पर भी अपने को इन्फॉर्मेशन, किसी पार्टी का जो पेमेंट आया रहेगा तो यहाँ दिक्कत होगी। मेरे कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट किया है, ये आ गया है। अभी के अपडेट्स और ये जो अभी जो ऑर्डर पड़ा था, पिकअप का जो ऑर्डर था, वो भी यहाँ पर आप कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजा, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर पड़ा है और मैंने चेक नहीं किया, तो यहाँ पर भी आप। और ये सॉफ्टवेयर जो है आपको बहुत ही ऐसा, मतलब कि आपका पैसा वेस्ट जाने वाला नहीं है, आप लीजिए, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। और दूसरे सॉफ्टवेयर के अपेक्षा बहुत किफ़ायती दाम में अभी मिल रहा है फिलहाल। आने वाले दिनों में शायद वो डिमांड के हिसाब से बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं बोलता हूँ कि 10,000 में आपका सब काम हो जाता है। उसमें आपको एप्लीकेशन मिलेंगी, कस्टमर की वेबसाइट मिलेगी, मोबाइल सॉफ्टवेयर मिलेगा, पीसी सॉफ्टवेयर मिलेगा, और कितने भी सॉफ्टवेयर, कितने भी पीसी लगाओ, कितने भी मोबाइल चलाओ, कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए अलग से आपको चार्ज देने का नहीं है। आपका वायरिंग जो भी है मिनिमाइज है, बिल्कुल भी आपको वायरिंग का झंझट वायरिंग, आप लैपटॉप लेकर भी आप काम कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर रखने की जरूरत नहीं, इतना सारा कंप्यूटर चलेगा, कोई भी बात नहीं। आप तो इजीली लैपटॉप लेकर भी करेंगे तो आपको हो जाएगा। और दुकान बंद करने के बाद में आपका बहुत सारा काम आप घर पे ये सॉफ्टवेयर का कर सकते हैं, जैसे कि आपको ऑर्डर निकालना है, आपका किसी पार्टी का पैसा जमा करना है, कोई प्रोडक्ट का डाटा रिकंसिल करना है, बहुत सारे ऐसे जो काम है जो आप घर बैठ के कर सकते हो, इसमें आप घर बैठ के लैपटॉप कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। बाकी सॉफ्टवेयर दुकान बंद करने के बाद में आपका सब पूरा वहीं का वहीं रह जाता है। और दुकान बंद करते टाइम पे भी अगर एक आध कस्टमर आएगा, किसी बंद किया तो आप मोबाइल पे जाते जाते भी उस आइटम का पिन सेल करके जा सकते हैं। और एक ये फ़ायदा है कि समझो आप बाहर है कहीं दूर और दुकान में नहीं है, और आपका कस्टमर का फ़ोन आ गया है कि बाबा ये आपके पास है, तो आप वहीं पर कॉल चालू रख के आप मोबाइल में चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे पास स्टॉक में है कि नहीं है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि मेरे पास स्टॉक में पड़ा है, तो आप वहाँ हाजिर जवाब दे सकते हैं। नहीं तो आप दुकान में फ़ोन करो, दुकान का बंदा देखेगा, फिर चेक करके बताएगा, तब तक तो वो कस्टमर अपने हाथ से निकल जाता है। शायद अपन कॉल कट करने के बाद भूल भी जाते हैं बोलना दुकान में, तो ये भी एक आपका लॉस है। और अपने पास स्टॉक में नहीं रहेंगे तो आप मोबाइल में वहाँ खड़े खड़े भी शॉर्ट बुक में डाल दीजिए, बंदा ऑर्डर दुकान में जाएगा तो वहाँ से अच्छा तो ऑर्डर निकलेगा, और मोबाइल से ऑर्डर भी दे सकते हैं, ऑनलाइन का ऑर्डर का सुविधा भी दे सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस सॉफ्टवेयर में, और काफ़ी मतलब एक तो आपको जो चाहिए बेसिक इंक्वायरीज रिक्वायरमेंट्स तो है ही, लेकिन साथ में आपके हर एक कस्टमर से कनेक्टेड रहने के लिए काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आपका स्टॉक मैनेज होता है, और एक्सपायरी का आपका मतलब पहले एक्सपायरी कितनी होती थी और आप एक्सपायरी कितनी हो रही है सॉफ्टवेयर? मेरा पहले वाले सॉफ्टवेयर में ना एक्सपायरी का बहुत दिक्कत आ रहा था कि हमने बेचता कुछ और था और बिल कुछ और प्रिंट होता था, तो स्टॉक पे जो प्रोडक्ट स्टॉक में पड़ा है वो सेल हो जाता था और जो सेल होता था वो स्टॉक में पड़ा रहता था। तो
बहुत मिसमैच होता था, कौन सा बेस का गया कौन सा नहीं गया। अभी क्यूआर कोड लगाने के बाद में ना मेरा प्रॉपर जो स्टिक है वही दिखती है और वही वहाँ से निकलती है, जो स्टॉक में पड़ी है वो प्रॉपर जो स्टॉक है वही दिखती है, तो उससे मेरा एक्सपायरी भी समझ में आता है। तो अभी ये अभी दो 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 महीने जो गया मेरा बहुत मतलब 75% मेरा एक्सपायरी कम हो गया है, पहले मेरा 100% था, अभी मेरा 25% एक्सपायरी का बहुत लोड कम हो गया है। और आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ये सॉफ्टवेयर मैं बोलता हूँ कि आपको लेना चाहिए। अच्छा, ओके। और आप घर में भी होते हैं कई कबार, मतलब शॉप में नहीं जाते तभी भी आप मॉनिटर कर सकते हैं अपनी शॉप को? हाँ, कितना सेल हो रहा है क्या? मैं ज़्यादातर शॉप में नहीं भी गया तो मुझे पूरा दिन भर का डाटा समझ में आता है। ये भी बता रहे थे विटाल कॉइंस भी एक है जो रिवार्ड मिलता है आपको, तो वो कैसे लेने के बाद में ये सॉफ्टवेयर से आप ना आपका जो मनी गया वो आप पास से भी रिकवर भी होती है, तो जितने आप रेफरल देंगे उतना आपको रिवाइटल कॉइन मिलेंगे जो आपको अगले आने वाले दिनों में आपको वापस रिन्यू सॉफ्टवेयर रिन्यू करने के लिए या ऐसे बहुत सारे इसमें मार्केटिंग मटेरियल जैसे कि प्रिंट स्टेशनरी है वो आप रिडीम करके मंगा सकते हो। तो मैं तो स्टेशनरी रिवाइटल सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मंगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिवाइटल कॉइन मैंने किए थे। ओके, तो मैं जब पहला एक कस्टमर पुणे में जो लिया तो मुझे बहुत सारे डिजिटल कॉइन मिले, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेफरेंस दिए। अच्छा, और अगर आप 10 रेफरल देते तो आपका लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर आपको 1 रुपये भी डालने की जरूरत नहीं। ओके, मतलब फ्री भी फ्री हो जाता है आपको, ये 10 रेफरल का आपको कष्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आपको लाइफ टाइम आपको सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत। ओके, बेनिफिट है, मेरा तो लाइफ टाइम फ्री हो गया है ऑलरेडी। मतलब इतना सॉफ्टवेयर का अभी 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, उल्टा मेरा सॉफ्टवेयर से मेरे को पैसा रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, मतलब उसपे भी पैसे आ रहे हैं आपको। तो मैंने सॉफ्टवेयर जब लिया था तो मुझे बहुत किफायती दर में मिला, पहला था तो मुझे बहुत सारे चारों तरफ से बेनिफिट मिला, तो मुझे 5,000 में सॉफ्टवेयर मिला था और वापस मैंने 50,000 रुपये। इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, पहला मतलब अगर आपका चेन फार्मेसी मतलब एक फार्मेसी नहीं है 2-3 फार्मेसी भी है तभी भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, और अपने स्टोर से दूसरे स्टोर को अपना मेडिसिन जो भी इन्वेंटरी वो वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। आपके ज्यादा आउटलेट रहेंगे तो आप सब पे एक ये सॉफ्टवेयर लगा दीजिए तो आपका स्टॉक ट्रांसफर करने का इजीली हो जाता है, एक सेंट्रलाइज परचेज का काम कर सकते हैं आप, एक जगह माल मंगा के यस प्रॉफिटेबल प्रॉफिट में मंगा के आप सब जगह थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं, तो आप एक ही जगह पे एंट्री मार सकते हैं आप, तो हर एक जगह जाके आपको मैन्युअली ऑल अलग से बिल बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और एक इनका ये अपडेटेड वर्जन ये है कि अगर आपके मेडिकल स्टोर और आपका मतलब क्लिनिक ये अटैच है तो उसके लिए भी इन्होंने सॉफ्टवेयर। हाँ, तो आपका अगर क्लिनिक अटैच फार्मेसी रहेगा तो डॉक्टर के पास ईवाइटल का आप एक सॉफ्टवेयर है वो जो इंटीग्रेट करके ले लीजिए, तो वहाँ से जब भी प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा तो आपके सॉफ्टवेयर में प्रिस्क्रिप्शन लोड हो जाएगा, तो वहाँ से बिल डायरेक्ट नहीं बन सकता। हाँ, मतलब डॉक्टर को ये भी पता चलेगा कि आपके स्टॉक, हाँ, वो आप सर्च मार सकता है कि ये दुकान में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो उतने प्रोडक्ट जो अवेलेबल है वही प्रिस्क्रिप्शन करेगा। राइट, मतलब वहाँ से भी कस्टमर अलग से हैरानी होने की, डॉक्टर ने क्या लिखा और मैं क्या दूँ। हाँ, तो ये भी बेनिफिट है। ओके, और बहुत सारे फीचर्स बनाए जो आने वाले दिनों में एक स्मार्ट फार्मेसी के लिए जो जो फीचर्स लगने चाहिए वो सब बनाए, और बहुत सारे बंद भी रहे, और हम जैसे लोग जो है बहुत सारे जो जानकार जो सॉफ्टवेयर को खगालते रहते हैं तो आइडिया भी देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर में ये चीज़ होनी चाहिए, तो लिमिट बना के भी दे देते हैं। अच्छा, तो हो रहा है। ओके, जो जैसा आपको चाहिए वो सॉफ्टवेयर वाला आपको बना के मिल जाएंगे। ओके, तो देखा 90% सॉफ्टवेयर में जो एक फार्मेसिस्ट की जो जितना जो सिस्टम लगता है वो अभी है अवेलेबल, उसके अलावा आपको और एडिशनल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला एक पावर प्लान इनका आता है जो 7 डेज का ट्रायल रहता है, जहाँ पे आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डिजिटल शॉर्ट बुक, परचेस मार्केट प्लेस, देन अनलिमिटेड सीएससी फाइल्स मिलती है और एफएमसीजी स्कैन मिलता है आपको। तो ये है पावर प्लान, 7 दिन का ट्रायल है, आप कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आपको लगता है तो आप ये परचेज भी कर सकते। और ये तो ट्रायल वर्जन है, उसके बाद आप अगर स्विच करते हैं मतलब हमारे जो ई वाइटल सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उसमें 2 प्लान्स आएंगे, एक तो टैबलेट है और दूसरा है कैप्सूल। टैबलेट प्लान्स में जो आपका पावर प्लान में आएगा वो सही रहेगा, उसमें मोबाइल एप्लीकेशन आएगा,
साथ ही वेबसाइट आएगा और क्यूआर कोड आएगा, ये चीजें रहेगी। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वर्जन लेना है, कि अगर आपको वन मैन शो है और आपके दुकान में दो ही लोग हैं जो वहाँ घर के हैं तो आप टेबलेट वर्जन ले सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा फार्मेसी है, लार्ज फार्मेसी है और उसकी स्टाफ ज़्यादा है तो आप कैप्सूल वर्जन लीजिए, तो स्टाफ को लॉग इन बनते हैं, जो स्टाफ को आप जो काम करता है उसके हिसाब से आपका पूरा डाटा चलता रहता है कि किसने क्या किया है। कैप्सूल वर्जन में एक उस पर आप अगर एक छोटा फार्मेसी जो एक डेली का वन मैन है, क्योंकि भाई मेरे को तो कंप्यूटर भी मुझे नहीं आता है, मुझे तो प्रिंटर भी नहीं है खर्चा करना, मुझे बार कोड लेता, इसमें एक और छोटा केमिस्ट जो एक शुरुआत करता है उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन जो है फ्री में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप मोबाइल अगर मोबाइल पे कर सकते हैं प्रिंट वगैरह, वाईफाई आप प्रिंट लेंगे तो आपको काम बहुत ही सुविधा अवेलेबल, तो मोबाइल पे आप छोटा मोटा काम उस पर हो जाता है शुरुआत में। यस तो वो एक छोटा एक केमिस्ट के लिए जो नया नया आया है, कम इन्वेंट्री है, उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन चेंज, और बड़ा जो है बड़े काम का तो कैप्सूल वर्जन में टैबलेट के सभी है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ लॉगिन अलग से मिलेगा आपको, कस्टमर एप्लीकेशन, देन वेब पेज मिलेगा, रिमाइंडर ग्रीटिंग्स मिलेंगे, एक्सपेंस मैनेजर मिलेगा, डेली स्टॉक रिकॉन्सिलेशन मिलेगा, तो ये है कैप्सूल वर्जन में। एंड मल्टी लोकेशन के लिए भी इनका अलग है, जैसे मैंने बताया कि चेन फार्मेसी उसके लिए अलग, ऑल इंडिया में कहीं भी बैठ के आपका जितने भी फार्मेसी आप एक ऑफिस में बैठ के हैंडल कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रकार का डाटा आप लैपटॉप पे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यस, क्लिनिक इंटीग्रेशन भी है, जैसे फार्मा क्लिनिक है तो इसका अलग अलग चार्जेस है, फिर भी मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ। टैबलेट का चार्ज है 3,300 पर ईयर, यस, प्लस जीएसटी जो भी रहेगा, उसके बाद कैप्सूल 6,600 प्लस जीएसटी रहेगा। मल्टी लोकेशन के लिए 5,000 है इनकी फीस, देन क्लिनिक इंटीग्रेशन के लिए भी 5,000 है। इसके बाद फिर अगर आपको डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे डिटेल्स दे दूंगा, लेकिन एक खुशखबरी आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे चैनल से जाते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए एक कोड है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी डिटेल दी है, कितना डिस्काउंट मिलेगा और कितना कौन सा कोड यूज़ करना है, आप वो कोड यूज़ करके परचेस कीजिए और आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस में भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट धन्यवाद देना चाहूँगा मनीलाल जी को कि उन्होंने समय दिया और इन्होंने पूरा ई वाइटल सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब किया, और आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि अपना मेडिकल स्टोर सिर्फ नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना और डेटा पूरी तरीके से मैनेज करना ये ज़रूरी है, साथ ही स्टाफ को भी उन्होंने स्टाफ जो था पहले ज़्यादा तो अभी वो कम किया, मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे, और आपका जो फ़ायदा होता है वही सॉफ्टवेयर आपको लेना चाहिए, जो प्राइजिंग भी आपकी बचत है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको ई वाइटल सॉफ्टवेयर लेने का, और आगे और भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, सपोर्ट दे दूंगा, इनका सपोर्ट हमेशा रहता है आपके साथ। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो डेफिनेटली आपके कलीग्स को, आपके सारे कर सर्कल्स को, आपके फ्रेंड्स को भी ये सर्कुलेट कीजिए इन्फॉर्मेशन, सो दैट वो एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर ले पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड धन्यवाद मनीलाल जी आपने समय लिया, और आप क्या बताना चाहेंगे फाइनली एक नए फार्मासिस्ट को जो सॉफ्टवेयर लेने का सोच रहा है, तो इसको ये ई वाइटल सॉफ्टवेयर कितना फ़ायदेमंद रहेगा? मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर एकदम नए हैं तो आप ई वाइटल आपके लिए बहुत फ़ायदे वाला है, आपको वापस सॉफ्टवेयर बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको महंगा भी पड़ने वाला है और आने वाले दिनों में आपको सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत भी पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है ना आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे क्योंकि वो ऑनलाइन वाला है, मतलब ऑनलाइन फार्मेसी अभी हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर आने वाले दिनों में आप अगर लेने को जाएंगे बाद में तो आपको कम से कम ये सॉफ्टवेयर अभी जो प्राइस मिलता है ये बोले तो प्राइस है ही नहीं, आपको ऐसा समझना है कि आपको ये फोकट में मिल रहा है 10,000 कुछ नहीं, ये इतना अगर आप सॉफ्टवेयर लेने को जाएंगे बाहर तो 1,00,000-1.5 लाख रुपये में ये सॉफ्टवेयर मिल रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको इतना मतलब किफायती दाम में मिल रहा है, बोले तो आप भाग्यवान रहेंगे कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर आज 15,000 से 20,000 के बीच में भी।
यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल इतना प्राइसिंग होता ही है और साथ ही उनका सर्विस का भी राइट आपको ऑटो अपडेट मिल जाते हैं सपोर्ट का कम जरूरत पड़ता है बहुत 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 सारा टैबलेट को फायदा होने वाला है थैंक यू बहुत ज़्यादा जानकारी देने के लिए और हमारे सभी फार्मासिस्ट भाइयों को गाइड करने के लिए इस शुड में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट शुड में थैंक यू